और दोस्तों ये जो है उसका दूसरा भाग है, बिकॉज पहला भाग में क्या है ये कॉल आया था तो कट हो गया है, तो दूसरा भाग पार्ट टू वही कंटिन्यू करूँगा मैं आपको। टोटल 38x32 फीट के अंदर देखिएगा 12 कॉलम सारे है, स्टेयरकेस के लिए भी सपोर्टिंग दिया गया, दो कॉलम जो है वहाँ पे जॉइंट होके आ रहे हैं। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है, घर बांधने से पहले ही, मतलब जब आप प्लॉट खरीदते हैं ना, तो कंपाउंड वॉल बांध मत बांधिएगा, बिकॉज देखिए अभी यहाँ पे क्रैक हो गया चांसेस। अभी ये तो ठीक है, यहाँ पे हार्ड सॉइल है, कई जगह पे क्या है काफ़ी नरम सॉइल रहता, तो कंपाउंड वॉल गिरने के भी चांसेस रहते हैं। देखो तो उसको आप अवॉइड करना ज़रूरी है, नहीं तो कंपाउंड वॉल गिर भी सकते हैं। ओके दोस्तों ये था, एंड नेक्स्ट देखिएगा इस तरह से बांधे गए, अल्ट्राटेक सीमेंट इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। इसका जो बैग 300-350 कुछ है, उतना रेट मालूम नहीं है, बिकॉज क्या है आजकल ओनर्स भी क्या है हमसे नहीं मंगाते, खुद का उनका उन्हें मंगा लेते हैं सब वर्क। हमारा काम है सिर्फ आना जाना, मार्केट डाल को चले जाना, ख़त्म अपना बात। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, सेंटर लाइन के लिए मैं सेपरेट एक पेपर दिया हूँ, उस पेपर को देख लीजिएगा। उसका इस घर का जो है पूरा फुल मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना हो सके उतना डे बाय डे मैं अपडेट देते रहूँगा। इससे पहले जो मार्कआउट दिया था उसका भी वीडियोज़ है, मैं सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा थोड़ी दिनों में, एक दो दिन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसका डेप्थ जो है लगभग, डेप्थ जो दिया गया 4 एंड हाफ फीट तक दिया गया, जेसीबी से एक्सकेवेट किया गया टोटली, और उसके बाद जो है मैनुअल लेबर, तो आधा पैसे आपका बचा सकते हैं मैनुअल लेबर के द्वारा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमेंट अल्ट्राटेक का है, ये देखिएगा अल्ट्राटेक का सीमेंट है ये, ऐसा मार्किंग किया गया है, काफ़ी अच्छा हुआ है फिनिशिंग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप जेसीबी से भी वर्क करवा सकते हैं, फिर उसके बाद 2-3 दिन लेबर से काम करवा सकते हैं फिनिशिंग। वैसे तो फिनिशिंग सही आना बोल के ऐसा कुछ भी नहीं रहता, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ फुटिंग का साइज़ और उसका शेप, उसका डिज़ाइन अच्छा आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जब भी आप ये बिठाते हैं सब वर्क, तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहता है वो सेंटर से लेके ये सेंटर, मतलब ये जो कोना चेक करना, फिर उसके बाद ये यहाँ से लेके ये वाला कोना, ये दोनों चेक करना, ये दो कोन चेक करने का बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज इन कोन को चेक करने से क्या है आपको डायगोनल सही या नहीं मिलता। अगर यहाँ पे नहीं मिला, 1-2 इंच का फ़र्क आ रहा समझो, बाद में क्या है आप इससे करवा सकते हैं, जो नेक्स्ट वर्क रहता है देखिएगा वो पेटी बिठाते हैं ना, यानी कि शटरिंग, शटर का फोम वर्क, शटर फ्रेम्स बिठाते हैं, उस वक्त जो आप सीधे एक लाइन पे है नहीं चेक कर सकते हैं। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस हाउस, उम्मीद करता हूँ वीडियो कुछ ना कुछ हेल्पफुल हुआ होगा। 1 फीट का साइज 4x4, लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ सब 4x4, चाहे तो डीप थोड़ा सा डिपेंड करता है हार्ड सॉइल के ऊपर, थोड़ा सा ज़्यादा लिए तो और अच्छा ही रहेगा आपको। एंड यही है फिलहाल, ठीक है, थैंक यू सो मच।